ये कहानी है सरोवर जंगल की, जहाँ सभी जानवर खुशी से रहते थे। उन जानवरों के साथ एक जादुई बंदर भी रहता था। बंदर को जादुई क्यों कहा जाता था, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। वो सभी जानवरों के बच्चों को पढ़ाता था और सिखाता था कि जंगल में कैसे रहना है। बच्चों, आज मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये वो पर्वत देख रहे हो? उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा है, जिसमें एक बहुत खतरनाक ड्रैगन सालों से सो रहा है। कोई बच्चा वहाँ उस पर्वत पर कभी मत जाना, क्योंकि अगर वो ड्रैगन तुम्हारी आवाज़ सुनकर उठ गया तो वो तुम्हारे साथ साथ सभी जानवरों को खा जाएगा। इसीलिए कोई वहाँ नहीं जाएगा, समझे? हाँ, समझ गए, हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे। बहुत अच्छे, जाओ अब तुम सब खेलो। फिर सब बच्चे वहाँ से खेलने चले जाते हैं, लेकिन ये कहानी सुनकर बच्चे सब डर गए होते हैं। मैं तो ये सोच रहा था, अगर वो ड्रैगन जाग गया तो क्या होगा? हाँ, मुझे तो ये सोच कर बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी है जिससे डरकर हम वहाँ पर्वत पर ना जाएं। असली में ड्रैगन तो होते ही नहीं हैं, ज़रूर वहाँ पर कोई खजाना छुपा रखा होगा। अरे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो सब सच्ची बातें हैं। अच्छा तो ठीक है, चल के खुद ही देख लेते हैं। क्या नाना, मैं तो नहीं आऊँगा, और तुम भी मत जाओ, अगर वो ड्रैगन उठ गया तो सब मारे जाएंगे। अरे डरपोक, तुम मत जाना, जिसे डर नहीं लगता वो मेरे साथ आ जाओ। ये बात सुनकर सभी बच्चे गुफा की ओर जाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को डरपोक नहीं कहलवाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। ओ नो, देखो ड्रैगन, ड्रैगन सच में है। भागो भागो यहां से, मैंने तो पहले ही मना किया था। गधे की आवाज़ सुनकर ड्रैगन जाग जाता है। उससे डरकर तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। भागो भागो, ड्रैगन जाग गया। अरे ये ड्रैगन को किसने जगाया? इसे रोकना पड़ेगा। रुक जाओ ड्रैगन। ओ तुम अभी भी जिंदा हो, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ड्रैगन को रोकने के लिए बंदर अपने जादू से देखते ही देखते बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है।
जादुई बंदर ड्रैगन को मार गिराता है। सभी जानवर यह देखकर बहुत खुश होते हैं। तो ये थी जादुई बंदर की कहानी कि कैसे वो जानवरों की रक्षा करता है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।